हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी चटपटे नाश्ते की रेसिपी आपके सामने लेकर आई हूँ, वो है वेजिटेबल मसाला इडली। जब हम लोग इडली बनाते हैं तो उसके साथ सांबार चटनी बनाते हैं, फिर एक ही स्टाइल में एक ही चीज को बार बार बना के खा के भी बोर भी हो जाते हैं। तो अगली बार जब इडली बनाएंगे तो इस तरह जरूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी है। सुबह ब्रेकफास्ट में और इवनिंग स्नैक्स में भी खा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं वेजिटेबल मसाला इडली फ्राई। इसके लिए सबसे पहले गैस पे एक पैन चढ़ा लेना है, फिर इसके अंदर 3 से 4 स्पून ऑयल डाल देना है। फिर इस तरह चारों तरफ ऑयल को स्प्रेड कर लेना है। ऑयल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद इडली पीसेस को डाल देना है। यहाँ पर मैंने इडली को पीसेस में काट लिया है, फिर इन्हें हल्का सा फ्राई कर लेना है। इस कलर में आने तक फ्राई कर लेना है। अब निकाल लेते हैं एक प्लेट में। नेक्स्ट वही पैन में और थोड़ा सा ऑयल डाल के ऑयल को गर्म कर लेते हैं। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून सरसों के दाने, 1/2 टीस्पून जीरा। नेक्स्ट हम इसके अंदर डालेंगे ऑनियन, 2 मीडियम साइज ऑनियन को चॉप करके लिया है। इसके साथ ही हमको डालना है 3 से 4 ग्रीन चिल्ली, फिर इन्हें फ्राई कर लेना है। ऑनियन फ्राई होने के बाद अब इसमें जाएगा पत्ता गोभी, फूल गोभी। पत्ता गोभी फूल गोभी को यहाँ पे लंबा लंबा काट के लिया है। नेक्स्ट इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट। सब कुछ डालने के बाद अच्छी तरह से मिला लेना है। नेक्स्ट इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून नमक या स्वादानुसार नमक। यहाँ पे मसाला के हिसाब से नमक डालना है, ऑलरेडी बना हुआ इडली में भी नमक डाला हुआ है। नेक्स्ट इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून चिली सॉस, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून देगी मिर्च पाउडर डाल देना है। फिर इन्हें अच्छी तरह से मिला लेना है। नेक्स्ट इसमें जाएगा 1 पिंच रेड फूड कलर, ये ऑप्शनल है, नहीं चाहते तो स्किप कर सकते हैं। बस ये कलरफुल दिखने के लिए हमने डाला है। फिर एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसे एक ढक्कन से ढक के अच्छी तरह से पकने देते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर ऐड कर लेना है 1 टीस्पून टोमेटो सॉस, फिर इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। नेक्स्ट इसमें जाएगा टोमेटो, यहाँ पे 2 मीडियम साइज टोमेटो को काट के लिया है। अब अच्छी तरह से मिक्स करके ढक्कन बंद करके टमाटर को पकने देते हैं। अब तो हमारा टमाटर अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसमें डालेंगे फ्राइड इडली, डाल के इन्हें अच्छी तरह से मसाले में कोट कर लेना है। जब ये मसाले में अच्छी तरह से कोट हो जाए तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून चीनी। चीनी डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके ढक्कन बंद करके मसाले में इडली को 5 मिनट के लिए पकने देते हैं। अब गैस ऑफ कर लेना है। लास्ट में हम ऐड करेंगे 1/2 लेमन जूस। फाइनली हमारा वेजिटेबल मसाला इडली पूरी तरह से रेडी है। आज के मौसम में बहुत ही अच्छा वेजिटेबल्स मिलता है। इसके अंदर गाजर कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हैं। इन्हें गरम गरम परोस लेते हैं। आपको कैसे लगा मेरा ये रेसिपी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।